गुरुवार को अलवर जिले सहित जहां देश भर में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, वहीं इस मौके पर घरों के अंदर भगवान राम दरबार की पूजा अर्चना कर लोगों ने दीपोत्सव के महत्व को आपस में साझा करते हुए एक दूसरे के साथ मिठास की खुशियां बांटी। अलवर शहर के बाजारों में सुबह से ही पूजा अर्चना से जुड़े तमाम कार्यों को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। वहीं अलवर शहर के फूल मंडी में भी खरीदारी का विशेष दौर देखने को मिला। दूसरी तरफ अलवर शहर के हृदय स्थल हॉप सर्कस के बाजारों में भी दिन भर खरीदारों की भीड़ देखने को मिली। वहीं इस मौके पर विभिन्न व्यापारियों से जुड़े खरीदार द्वारा दीपावली को लेकर खासी खुशी जताई गई। साथ ही इस दौरान खरीदारी करने आई महिलाओं ने भी इस तरह की खरीदारी को लेकर खासा उत्साह जताया। साथ ही अलवर जिले की से जुड़े विभिन्न मंदिरों में धार्मिक स्थलों पर भी दीपोत्सव को लेकर विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस दौरान अलवर न्यूज में भी दीपोत्सव मनाए जाने से पूर्व विधिवत रूप से राम दरबार की पूजा अर्चना करते हुए अलवर जिले व प्रदेश सहित देश में मंगल होने की प्रार्थना समस्त चैनल से जुड़े निदेशक व स्टाफ द्वारा की गई। इस मौके पर पूजन का आयोजन पंडित नितिन भाल के सानिध्य में किया गया। साथ ही अलवर न्यूज की तरफ से दीपावली पर सभी शहरवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित की गई। अलवर में तो वाटर लिली कमल का तो बहुत डिमांड है। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा बिकता है वो ये वाटर लिली। वो बिकता नहीं है, कमल कट्टे वाला कम बिकता है, बहुत कम बिकता है। ये वाला वो जो ओरिजिनल फूल है ना, किस तरह की मान्यता है लोग, ये लक्ष्मी जी को पूजने के लिए ये फूल रखते हैं सर। इससे क्या है कि आप ये जो कमल ककड़ी होती है ना, वो वाली है ओरिजिनल, 100% ओरिजिनल कमल ककड़ी है। एक आता है कमल कट्टे जो इधर बेच रहे हैं हरे हरे से सारे फूल वाले लगा रखे हैं, वो वाला नहीं है, ये कमल ककड़ी वाला ये वाला काम आता है। जो जो विष्णु भगवान से नाभि से निकली थी, ब्रह्मा जी बैठे थे, वो वाला ये कमल है। दीपावली पे तो हम इस साल 12,000 पीस लाए थे, हमारा सारा माल निकल गया, ज्यादा ज्यादा 600 पीस अभी बचा पड़ा है, शाम होते साफ हो जाता है। अपना नाम अशोक कुमार है, यहाँ पे बाहुबली प्रोडक्ट झटका मशीन के नाम से अपने भटियारे वाली गली में दुकान है। व्यापार अब की बार दीपावली पे थोड़ा कम रहा, क्योंकि जैसे लॉकडाउन लगा, फिर अब बीमारियां जो फैल रही हैं उनकी वजह से भी लोग बागों ने थोड़ा भीड़ भाड़ कम रही और व्यापार भी थोड़ा कम रहा। लेकिन दो साल से कोरोना था, दीपावली घूमती हुई थी, तो इस बार थोड़ी तो राहत महसूस करी होगी आपको। पहले दो सालों से दीपावली मनाना एक बड़ी बात थी कोरोना काल में। नहीं, पिछली बार भी दीपावली पे तो मतलब काम सही था, लेकिन अब की बार थोड़ा कम रहा है। डेंगू की भी थोड़ी ज़्यादा समस्या अलवर के अंदर, तो आप जानते भी हो कि इस टाइम अलवर नंबर वन पे है डेंगू के मामले में, तो जिस हिसाब से वो चल रहा है तो व्यापार थोड़ा कम रहा है। तरीका नहीं है सर, अब जैसे कि आप ग्राहक आते हैं, 5 फल मांगते हैं, अब एक फल उधर से उठाएंगे तो इसको क्या है, पैकिंग करके हमने रख दिया 5-5 फल और आया और ग्राहक को फटाफट पकड़ा दिया। उसमें हमारा टाइम भी बचता और हमारा सेल भी इससे डबल होती है, इससे सेल भी जाएगा, इससे ज़्यादा बिकता। फलों की क्वालिटी भी साफ नहीं, फलों की क्वालिटी साफ ही रखते हैं सर। इसमें क्या पूजन में ट्रांसपेरेंट पैकिंग, इसलिए ट्रांसपेरेंट पैकिंग रखते हैं कि ग्राहकों को दिखता भी रहे, ग्राहक आराम से देख के ले। अच्छा, मनोरंजन भी हो रहा है, शॉपिंग कर रहे हैं बस दीपावली की। क्या क्या खास रहा इस बार, क्योंकि 2 साल कोरोना रहा फिर आए आप लोग? हाँ, वैसे तो काफी चहल पहल है, परंतु 2 साल से तो काफी अच्छा अब की बार लग रहा है। सर विशेष क्या है, सभी को अच्छा लग रहा है, मनोरंजन हो रहा है सबका, दीपावली है सभी के लिए अच्छी है, बात है ये तो। अच्छा, इस बार पटाखे सरकार ने बैन लगा रखे, ये वैसे बैन लगा रखा है, ये वैसे ठीक नहीं है ये चीजें, देखो गलत ही है ये चीजें, तो जो पटाखे वगैरह होते हैं बच्चे बहुत शरारत करते हैं, किसी के क्या हो जाता है, किसी की आंख में लग जाती है, किसी के हाथों में लग जाती है, ये सब चीजें गलत ही है पटाखे तो।